Hey guys, welcome to my channel Classy Style with Shikha. मैं हूँ शिखा, हाजिर हूँ आप लोग के साथ में नई वीडियो लेके. सो आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके बाद इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम मिलेगी. कहीं भी आपको किसी भी सोशल मीडिया पे, इवन यूट्यूब पे भी आपको बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जो भी मिलेगी शायद आपको एग्जैक्ट ना मिले. सो मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाली हूँ कि आपको हेयर कॉम कैसे करना चाहिए. जी हाँ, आपको हेयर कॉम कैसे करना चाहिए, हेयर कॉम करने का एग्जैक्ट तरीका क्या होता है, जिससे हमारे हेयर फॉल ना हो, हमारे बालों में डैंड्रफ ना हो, हमारे टैंगल्स ना पड़े और स्प्लिट एंड्स ना हो. हमें तो लगता है कि ये बाहरी प्रॉब्लम है, इससे कंघी करने का या कॉम करने का क्या लेना देना. जी नहीं, बिल्कुल लेना देना है. अगर आप सही से कॉम नहीं करते हैं तो आपका हेयर फॉल और आपके हेयर टैंगल्स और आपकी जो स्प्लिट एंड होती हैं, हेयर स्प्लिट एंड, इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, आपके बालों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. ये चीज़ें बहुत ईजिली आ जाती हैं आपके बालों में और आती ही आती हैं. सो आपको सही कॉम का यूज़ करना चाहिए और आपको सही तरीके से कॉम करना चाहिए अपने बालों में, जिससे आपके बाल सिल्की शाइनी बने रहें और बहुत ही खूबसूरत बने रहें और स्पेशली टूटे ना. जी हाँ, झड़े ना है, फॉल ना हो. सो चलिए मैं आपको बताती हूँ. देखिए अभी मेरे बाल बहुत ज़्यादा मिस है, मैंने थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर रखा है बिकॉज आज मेरी इच्छा हो रही थी इसलिए मैंने किया है. मैंने फेक आईलैशेस भी लगाए हैं. अगर आपको चाहिए होगा इसका वीडियो तो आप मेरे से भूल देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, फिर मैं आपको दे दूंगी. सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको करना है एक काम, आपको करना है मेरा वीडियो लाइक और शेयर, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो आपको मेक श्योर सब्सक्राइब करना है विद द बेल बटन, बिकॉज जब भी मैं कोई आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना के डालूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, फिर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जिससे आप देख सको सबसे पहले, ठीक है, हर चीज का जानकारी सबसे पहले हो. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. मेरे बाल भी मेस है बिकॉज मुझे करना ही था जब कॉम, तो मैंने सोचा आप लोग के सामने करूं, क्या ही दिखाना है, अब तो फैमिली है. पहले अपने बालों को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड देन ऐसा एक कॉम लेंगे. देखिए ये मोटा कॉम है एंड इसमें डिस्टेंस जो है, स्पेस जो है वो, मुझे इस कॉम का नाम नहीं याद है, पर ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है और ये बहुत ही ईजिली आपके टैंगल को हटा देता है. हम चलिए करते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें कितना हेयर फॉल होता है. अगर आप पतले कॉम से कॉम करोगे ना तो आपको हेयर फॉल ज़्यादा होगा स्टार्टिंग में. मैं आपको पतले कॉम से भी कॉम करके दिखाऊंगी, लेकिन इसको टैंगल अपने रिमूव करने के बाद मैं आपको हेयर स्टाइल बना के दिखाऊंगी. अब इस तरह से अपने टैंगल रिमूव कर लेने हैं. देखिए बहुत ही इजीली हो जा रहा है. और आप देख रहे हो ना, बिल्कुल एक भी हेयर नहीं है मेरे कॉम पे. अगर मैं इसे पतले ब्रश से करती या पतले कॉम से करती तो मुझे बहुत हेयर फॉल होते, कम से कम दो या तीन तो गिरते ही मेरे बाल. सो अब टैंगल हो चुके हैं रिमूव, जैसा कि आप देख रहे हो, है ना. सो अब मैं लूंगी ये कॉम, इसमें एक साइड थोड़ा सा मोटा है देन एक साइड पतला सा है, बिकॉज अब मैं बनाने वाली हूँ उसको सेट करके थोड़ा सा हेयर स्टाइल. सो मैं ये कॉम यूज कर रही हूँ. तो आपको ये लेना है एंड आपको उस शेप में अपने बालों को फोल्ड कर लेना है जिसमें आपको चाहिए, जैसा आप बाल रखते हैं. तो आपके बाल बिल्कुल उलझेंगे नहीं, टैंगल्स होंगे नहीं, फिर उलझेंगे क्यों. मैंने सेम प्रोसेस इस वाले कॉम से भी किया, बट इससे क्या हुआ, मेरे बालों में जो वॉल्यूम चला गया था वो आ गया. देखिए बहुत, आपको बहुत घने लगेंगे अपने बाल, बहुत ही उठे उठे लगेंगे, वॉल्यूम ज़्यादा लगेगा और थोड़ा देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे. देन अब मैं इसी कॉम से बनाऊंगी हेयर स्टाइल. तो हेयर स्टाइल बनाऊंगी तो मुझे बहुत कुछ हल्का करने की इच्छा हो रही है. सो इस साइड में ये बाल लूंगी मैं थोड़ा सा, देन रोल करूंगी इसको, देन मैं क्लिप कर लूंगी. मैं सेकेंड पोस्ट भी ऐसे ही करूंगी, रोल करूंगी
कितनी है? अगेन रोल करूंगी एंड क्लिक करूंगी। इन बालों को मैं अच्छे तरीके से सेट कर दूंगी। सो देखिए, बन चुके हैं मेरे बाल अच्छे तरीके से। मैंने कॉम कर दिया है, मैंने बता दिया है। अब बारी है कि मेन चीजों की, कि आपको कब कॉम करना चाहिए, आपको कितने टाइम पे कॉम करना चाहिए, कैसे कॉम करना चाहिए, तो मैंने बता दिया। तो जी हाँ, आपको दिन में अगर आप घर पे हैं तो आपको ऑलमोस्ट 2 बार कॉम करना ही चाहिए, एक मॉर्निंग में एक नाइट में। अगर आप बाहर जा रहे हैं सो आप तुरंत कॉम कर लें, और लेकिन आप कोशिश करें कि आप बार बार कॉम ना करें। बहुत लोग जैसे उठते हैं तुरंत कॉम, उसके बाद मतलब हर चीज़ पे उनको लेके चाहिए ही होता है, कॉम करना ही होता है, बट ये नहीं होता है। इससे आपका हेयर फॉल होता है, और आपको वेस्ट वे जो होता है, वेस्ट मेथड जो होता है, ऐसे ही कॉम करना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से कॉम करोगे तो आपको हेयर फॉल होगा ही होगा। इन चीज़ों को हम बहुत लाइफ में लाइटली ले लेते हैं, लेकिन लेना नहीं चाहिए, बिकॉज बाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना बालों के खुद को इमेजिन करो कैसे लगोगे। मैं तो अच्छे नहीं लगूंगी, इसको मुझे पता है कि नहीं होना चाहिए। बाल अगर हैं तो आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। आपको बार बार कॉम नहीं करना चाहिए, आपको ऑलमोस्ट 2 बार करना चाहिए। अगर आप बाहर जाते हो देन आप कर सकते हो, या आपको इमरजेंसी है आप कर सकते हो, पर आप कोशिश करो कि आप कम से कम बार कॉम करो। बस आप अपने टैंगल अच्छे से रिमूव कर सको, और उसके बाद अपने बालों का ख्याल रखो। आप धूप से अपने बालों को बचाओ। एंड देन आपको करना क्या है, आपको अपने बालों पे बहुत कम केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। देखिए, मैंने तो कलर करा लिया है, मैं ज़्यादा यूज नहीं करती, बस मेरे को शौक था इसलिए करा लिया। तो आप इसको माइंड कर दीजिए। एंड देन सच में मैं घर की चीज़ें यूज़ करती हूँ, बस मुझे थोड़ा सा मुझे कराने की इच्छा थी इसी वजह से। एंड आपको बहुत कम केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, और आपको अच्छे तरीके से शैम्पू यूज करना है, और अच्छा ब्रांड वाला आपको माइल्ड शैम्पू यूज करना है। मैं शैम्पू के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगी कि आपको कितना शैम्पू यूज करना चाहिए, आपको कब शैम्पू यूज करना चाहिए, आपको क्यों डैंड्रफ्स हो जाते हैं। अगर आपके कमेंट्स आए तो मैं ये वीडियोज बहुत जल्दी बनाऊंगी, पर प्लानिंग चल रही है तो मैं ये सब बनाऊंगी। तो स्टार्ट, देखिए मेरे बाल लग रहे हैं बहुत खूबसूरत। धन्यवाद, आप भी ऐसे काम करिए।